दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उस महिला की कहानी जिस महिला को 10 नवंबर 2018 को गूगल पे सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। उस महिला का नाम है एलिशा जेम फरेस्कू। जी हाँ, एलिशा जेम फरेस्कू जो थी वो विश्व की दूसरी महिला अभियंता थी। एलिशा जेम फरेस्कू का जन्म 10 नवंबर 1887 को रोमानिया के गैलाटी में हुआ था। उनके पिता अतानासे लियोनिडा एक करियर अधिकारी थे, जबकि उनकी माँ मातिल्डा गिल फ्रांसीसी जन्मी इंजीनियर की बेटी थी। उनका भाई ड्रिमिटी लियोनिडा भी एक इंजीनियर थे। आइए बात करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। विज्ञान में महिलाओं के खिलाफ जो पूर्वाग्रहों के कारण जम फेयर स्कूल को बुखारेस्ट में स्कूल ऑफ ब्रिज और रोडल्स द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1919 में उन्हें रॉयल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी जो बर्लिन में स्थापित है चार्ल्स टेनवर्ग में स्वीकार किया गया था। उन्होंने 1912 में इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दावा किया गया है कि जेम फरेस्कू दुनिया का पहला महिला अभियंता थी, लेकिन आयरिश इंजीनियर एलिस पेरी ने 1906 में जेम फरेस्कू से 6 साल पहले स्नातक उपाधि प्राप्त की। रोमानिया लौटने पर जेम फरेस्कू ने रोमानिया के भूगर्भीय संस्थान में सहायक के रूप में काम किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह रेड क्रॉस में शामिल हो गई और मारुसेस्टी रोमानिया में एक अस्पताल चलाया करती थी। 1970 में उनके अस्पताल को जर्मन और रोमानियाई सेना के बीच 1917 में उनके अस्पताल को जर्मन और रोमानियाई सेनाओं के बीच युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। रोमानिया ने 28 दिनों में जीत हासिल की थी, जिसमें 12,000 से अधिक रोमानियाई और 10,000 से अधिक आक्रमणकारियों को घायल हुए थे। इस समय वह लेखक जूलियो जेम फरेस्कू के भाई केमिस्ट कॉन्स्टेंटिन जेम फरेस्कू से मुलाकात की और शादी कर ली। युद्ध के बाद जेम फरेस्कू भूवर्गीय संस्थान में लौट आया। उन्होंने कई भूविज्ञान प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया और विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययनों में भाग लिया, जिनमें से कुछ कोयला, शेल, प्राकृतिक गैस, क्रोमियम, बॉक्साइट और तांबा के नए संसाधनों की पहचान की गई। जेम फरेस्कू ने भौतिकी और रसायन शास्त्र भी पढ़ाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक पुरस्कार उनके नाम प्रीमियूल एलिशा लियोनिडा जेम फरेस्कू दिया जाता है। जेम फरेस्कू AGIRR की पहली महिला सदस्य थी। रोमानियाई इंजीनियरों के जनरल एसोसिएशन बुखारेस्ट के सेक्टर 1 में एक सड़क को उनका नाम दिया गया और उसे 2018 में अपने जन्मदिन की सालगिरह पर गूगल डूडल ने सम्मानित किया। रिटायरमेंट में वह निरस्त्रीकरण के लिए सक्रिय भी शामिल थी। 25 नवंबर 1973 को 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और पृथ्वी से एक दिग्गज और महान हस्ती जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हमेशा रही और हमेशा ही रहेंगी, उनका अंतिम विदाई हो गया। जेम फरेस्कू की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में लिख के बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूं, तो हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर हमारे जय बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।